चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है, हम जो पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट का अगला टॉपिक ले रहा हूँ। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चय का सममित अंतर, दो समुच्चय का सममित अंतर। यहाँ पे हमारे पास दो समुच्चय दिए जाएंगे ए और बी, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ा ध्यान समझेंगे, दो समुच्चयों ए और बी का सममित अंतर वह समुच्चय है जिसमें ए और बी के वे सभी अवयव हों, ए और बी के वे सभी अवयव हों जो उनमें उभयनिष्ठ नहीं हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, उभयनिष्ठ की बात कर रहा है, उभयनिष्ठ ना हो ऐसे अवयव जिसमें होते हैं वे सममित अंतर कहलाते हैं। इसे ए सममित अंतर बी बोलकर पढ़ा जाता है। सममित अंतर को हम डेल से दर्शाते हैं, इसको डेल बोलकर पढ़ते हैं, ए डेल बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ऐसा भी पढ़ते हैं, ए सममित अंतर बी बोलकर भी पढ़ा जाता है। इसका मैथमेटिकल रूप में इसे कैसे लिखा जाता है मैथ्स के फॉर्म में, तो जैसे हम यहां पर आते हैं प्रतिक्रियात्मक रूप में, ए सममित अंतर बी, A del B is equal to X is such that X belongs to A or X does not belong to B. X does not belong to B. इसी को हम लोग A minus B बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं A minus B, या X belong करता है B और X belong नहीं करता है A, अर्थात A del B equal to A minus B यूनियन b माइनस ए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, a माइनस बी निकालिए, b माइनस ए निकालिए और उसका अगर हम यूनियन कर दें, यूनियन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमको दो सेट दिए जाएंगे a और b, तो सबसे पहले आप a माइनस बी निकालिए, फिर b माइनस ए निकालिए, फिर उसका क्या निकालेंगे यूनियन जो आएगा वह सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन करता है। इसी प्रकार से b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस ए का पहले निकालेंगे आप, फिर a माइनस बी निकालेंगे और दोनों का यूनियन निकालेंगे, ठीक है। वेन आरेख द्वारा निरूपण, यदि u एक सार्वत्रिक समुच्चय हो, यदि u एक सार्वत्रिक समुच्चय हो और a और b दो समुच्चय हो, तब a माइनस बी और b माइनस ए का रेखांकित भाग, रेखांकित भाग यहां पर जो दिखाई दे रहा है वह सममित अंतर ए डेल बी को रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिएगा इस प्रकार से एक सार्वत्रिक समुच्चय है यू और ये दो उसके सबसेट हैं ए और बी, ठीक है। तब हम निकालेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब जो ए में शामिल हो बी में ना हो, उसी प्रकार से बी माइनस ए निकालेंगे जो बी में शामिल हो ए में ना हो, ऐसे अवयव का सेट और उसको रेखांकित कर देंगे तो किसको बता देगा आपका, सममित डिफरेंस को बताएगा। मैं एक एग्जांपल लेकर इसको और क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ी देर में एग्जांपल बताता हूं आपको। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल पर कि सममित डिफरेंस, सममित अंतर को कैसे बताते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस को। यहां पर मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताना चाह रहा हूं, यदि ए बराबर ए के सेट में 1 2 3 4 अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स कौन कौन है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स कौन कौन है 3 4 5 6, तब ए डिफरेंस बी पहले निकालेंगे, ए का डिफरेंस बी के साथ, ठीक है। तो सेट ए माइनस बी मतलब जो ए का अवयव हो और बी में ना हो, बी वाले अवयव जो बी में है उसको शामिल नहीं करना है, वो कहलाता है ए माइनस बी। तो यहां पर आ जाएगा जो बी में है वो एलिमेंट को हम हटा देंगे तो 1 2 हो गया, बी माइनस ए इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, तो बी माइनस ए मतलब ए में जो है वो नहीं रहेगा, तो बी में कौन कौन आ जाएंगे 5 और 6। अब इनका सिमेट्रिकल डिफरेंस, सिमेट्रिकल डिफरेंस मतलब इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिखना है, तो यहां पर कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है, तो ये पूरा आ जाएगा 1 2 5 6, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। इसी प्रकार से हम निकालिए बी डिफरेंस ए, बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए,
तो ये भी वही आ जाएगा 1, 2, 5, 6। स्पष्ट है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। अब हम इसको वेन आरेख में इस प्रकार से दर्शाएंगे। वेन आरेख में सेट ए में क्या क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये पूरा सेट ए है। सेट बी में क्या रहेगा, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ओके। और इसका जो रेखांकित पोर्शन है वो किसको बताएगा, रेखांकित पोर्शन ये वाला बताएगा ए माइनस बी को, ये वाला बताएगा बी माइनस ए को, और इनका क्या लेंगे हम, यूनियन, यूनियन मतलब रेखांकित कर देंगे उसको, रेखांकित कर दिए। जिसमें रेखांकित नहीं है वो इसको नहीं बताएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को नहीं बताएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। वेन आरेख का निरूपण हमको आना चाहिए, वेन आरेख निरूपण। जनरली बच्चे लोग वेन आरेख निरूपण से सर समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग को वेन आरेख निरूपण एकदम सरल लगता है क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ सिंपली समझना बस है कि कैसे कैसे डेफिनेशन है। डेफिनेशन से अगर आपको याद है सेट थ्योरी आपको सरल लगेगा, अगर डेफिनेशन से याद नहीं है तब सेट थ्योरी कठिन हो जाती है। तो आप शुरू से जितने भी वीडियोज मैंने बनाए हैं उनको देखिए, समझिए, उनके डेफिनेशन को समझिए, साथ ही साथ उसका वेन आरेख डायग्राम भी समझते जाइए कि कैसे बनाया जा रहा है, तो आपको ये चीज़ें एकदम इजी लगेंगी। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे ज्ञात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समुच्चय का पूरक या किसी भी संख्या का पूरक हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, माना यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का कोई सबसेट है, ए जो है वो यू का सबसेट है, तब ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं होते हैं। यू के सापेक्ष ए के पूरक को प्रतीकात्मक रूप में ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट्री ए सी या यू माइनस ए या ए के ऊपर बार लगाकर दर्शाते हैं। प्रतिक्रियात्मक रूप में ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसा लिखा जाता है। स्पष्ट है एक्स बिलोंग करता है ए के कॉम्प्लीमेंट्री को, इसका मतलब है एक्स बिलोंग नहीं करता है ए को और ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। वेन आरेख निरूपण, वेन आरेख निरूपण जब हम करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे, उसमें एक सबसेट बनाएंगे ए और इस सबसेट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, तो पूरा रेखांकित कर दिया अपन, पूरा रेखांकित कर दिए, तो ये कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ओके। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। अगर U एक सार्वत्रिक समुच्चय है जो इस प्रकार से उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और A हमारे पास कोई सेट है, A हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, तब उसका कॉम्प्लीमेंट A के अवयवों को छोड़कर जितने भी अवयव बचेंगे इसमें वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, इसे A कॉम्प्लीमेंट से बताएंगे। तो 1, 3, 5, 7 को छोड़ेंगे तो 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6, 8। वेन आरेख में निरूपण कैसे होगा इसका, वेन आरेख में निरूपण, वेन आरेख निरूपण, तो आप इसको समझ रहे हैं। यहां पर एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे U जिसमें सारे एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। फिर हम एक सेट बनाएंगे A, उसमें क्या क्या जाएंगे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 का पल लिख लेंगे, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे 2, 4, 6, 8, उसको आप बाहर रख लीजिए और उसके बाद उसको रेखांकित कर दीजिए, तो ये रेखांकित पोर्शन वेन आरेख को बताएगा, किसके वेन आरेख को, कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब इसी में कॉम्प्लीमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज समष्टि समुच्चय को बताएगा, सार्वत्रिक समुच्चय को बताएगा। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या, कॉमन नहीं दिख रही है, मतलब क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय को बताएगा। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूं तो वापस मेरे को क्या मिल जाएगा, ए, ठीक है।
फिर समष्टि समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट हमेशा रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय होता है, समष्टि समुच्चय होता है। और छठवीं प्रॉपर्टी, ए सबसेट ऑफ यू, अगर ए समष्टि समुच्चय का समष्टि समुच्चय का सबसेट है तब ए का कॉम्प्लीमेंट भी समष्टि समुच्चय का सबसेट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा। इस प्रकार से अब हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। टॉपिक है अगला सम बेसिक रिजल्ट्स अबाउट कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के ऊपर कुछ आधारभूत जानकारियां हैं, बेसिक रिजल्ट्स हैं, कुछ जानने वाले मूलभूत परिणाम। माना ए और बी कार्डिनल नंबर, आपको बताया जा चुका है ना कि सेट के अंदर में जो एलिमेंट होता है उसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्डिनल नंबर ए डैश तो कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से तो कार्डिनल नंबर हम आपको एक बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यदि ए और बी परिमित समुच्चय है तब ए यूनियन बी के अवयवों को गिनते समय हम ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को दो बार गिनते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को दो बार गिनते हैं। प्रथम बार समुच्चय ए को ए के अवयवों को गिनते हैं तथा दूसरी बार समुच्चय बी के अवयवों को गिनते हैं। अतः एन ए यूनियन बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, इसकी जगह में क्या आ गया है 0, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है, यहाँ पर नोट शीट है। अगर हम डिफरेंस की बात करें सेट के डिफरेंस की, दो सेट्स हैं उसका डिफरेंस है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी ऑलवेज इक्वल होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी के तो ए यूनियन बी में से बी को माइनस कर दोगे तो ए बचेगा। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से एन ऑफ ए माइनस बी कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, इसको हम एन ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, सेम डेफिनेशन बी माइनस ए, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होगा माइनस एन ऑफ ए के इक्वल होगा। इसी प्रकार से कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए इक्वल होता है कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार की चीजें हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स बचे गए हैं, कुछ थोड़े बहुत थोड़े से बच गए हैं कुछ फार्मूले, मैं उनको फिर से बता रहा हूँ दो तीन। और इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वेन आरेख के ऊपर है, जैसा कि आप लोग जानते थे बीच में पढ़ाया गया था आप लोग को कि इस प्रकार से वेन आरेख है, यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर बी माइनस ए और ये ए इंटरसेक्शन बी को बताता है। ये आपको बताया गया था एक बार बीच में एकदम काला करके, ये वाला ए माइनस बी, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला बी माइनस ए, तो इसके आगे में सिर्फ नंबर को लगा देना है कार्डिनल नंबर। इसी प्रकार से बोलता है ए के कॉम्प्लीमेंट्री का कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट्री ऑलवेज इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ सार्वत्रिक समुच्चय यू माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। फिर आता है यदि हमारे पास तीन सेट्स दिए गए हैं ए बी और सी, इस प्रकार से दिए गए तीन फाइनाइट सेट्स हों और कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फिर कार्डिनल नंबर ऑफ माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस सी प्लस
कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से ये सारे फार्मूले हैं, हमको याद रखना होगा जब हमको कार्डिनल नंबर से क्वेश्चन बनाने होंगे। इसी प्रकार से कार्डिनल नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो बराबर होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ये डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, इससे आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कार्डिनल नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इस प्रकार की चीजें हैं, ये सभी का हमारे पास सवाल बनाने में उपयोग होता है। इस पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, 4 नंबर से लेकर 6 मार्क्स तक में इसमें क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के सेट थ्योरी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है।